Do you want to mind now? हमारा प्रोटेस्ट साइलेंट प्रोटेस्ट इसी बात को लेके था कि जो ऑर्डर्स इशू हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज के एमबीबीएस डॉक्टर जनरल लैब में तानिया किया जाए, लेकिन मैं अथॉरिटी से गुजारिश करता हूं कि हमारे से हमारे जीने का हक छीना ना जाए। हम अर्न कर रहे हैं, एक छोटी लेबोरेटरी में अगर आप जाके देखें, कभी आप विजिट कीजिएगा, 10,000 से 15,000 रुपये वो कमा रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत ही कम है इस महंगाई में। और इस टाइम में साथ साथ कहा जा रहा है कि आप एमबीबीएस डॉक्टर को बोर्ड किया जाए। फॉर्मेलिटी जो हुआ करती थी वो उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं, हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लेबर रजिस्ट्रेशन चाहिए, म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन, वो हम करने के लिए तैयार हैं, वो करते आ रहे थे, करते भी रहेंगे। लेकिन एब्रप्टली ये एक्ट आ रहा है, कॉमन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिसको सीए एक्ट कहा जाता है, ये हर किसी स्टेट में हर किसी यूटी में आया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये ऐसा नहीं है कि कश्मीर में ही आया है, ये ऑल ओवर इंडिया में आया है। ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, हर जगह पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है और आज हमें मौका मिला इस प्रोटेस्ट को अंजाम देने का, और हम कर रहे हैं अपना अपना जो ये है प्रोफेशन बचाने के लिए, अपना अपना जो हम टेक्नीशियंस हैं, मतलब काम करते आ रहे हैं पैरामेडिकल फील्ड में, तो ये प्रोफेशन हम मतलब सेव करना चाहते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर को एमबीबीएस डॉक्टर से ही एक लैब चलानी है तो हमारा फायदा क्या है, हमें क्या करना है, फिर हमसे कहा जाए हमें क्या करना है। हम इवन ये भी आप, मैं आपको कहता चलूं कि एक पीएचडी स्कॉलर जो है वो एमबीबीएस के एकेडमिक्स में पढ़ाने का काम भी करता है, लेकिन उसको भी इन्होंने सिग्नेचर अथॉरिटीज का काम रखा, मतलब करने का ये नहीं दिया है। हम एक छोटी लैब की बात कर रहे हैं जहाँ पे ब्लड शुगर होता है अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पे यूरिन होता है, जहाँ पे एलएफटी केएफटी होता है, इतनी यही टेस्ट 10-20 टेस्ट एक जनरल लैब तक महदूद है। तो जब देखिए एट द सेम टाइम एक मॉर्निंग में हम शुगर पेशेंट का शुगर लेते हैं, डॉक्टर तो आपको दिन भर रहेगा नहीं, वो शाम को आएगा 4 बजे 5 बजे सिग्नेचर करने के लिए, तब तक हमको पेशेंट भी सफर करेगा। एमबीबीएस डॉक्टर को ये कह रहे हैं बोर्ड करने के लिए, उसमें हम ये कह रहे हैं कि उसका कोई रोल ही नहीं बनता है। एमबीबीएस डॉक्टर्स वो बने हैं, देखिए एमबीबीएस का फुल फॉर्म ही है मास्टर ऑफ सर्जरी मास्टर ऑफ मेडिसिन, लेकिन ये मास्टर ऑफ ये लेबोरेटरी क्यों बनना चाहते हैं ये आप भी हमें बता सकते हैं। गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि आपके पास डॉक्टर्स की भी कमी है, आप खामा आप एक जेएनके में अगर आप पिछला सेंसस उठा के दें, एक डॉक्टर 3,000 लोगों को देख रहा है। अब जब आप इन्वॉल्व इनको कर रहे हैं लेबोरेटरीज में तो फिर प्रैक्टिस कौन करेगा, फिर एक आदमी को तो 5,000 लोगों का इलाज करना है। तो हमारा काम जो है हमसे हमें करने दिया जाए।